नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की नीतीश सरकार बिहार को स्वस्थ बनाने का काम कर रही है, जिसके तहत ही आम से खास तक की स्वास्थ्य जांच को लेकर बिहार की नीतीश सरकार सजग है और सतर्क है। साथ ही इस कोशिश में भी है कि बिहार के हर वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क करवाई जा सके। इसी कड़ी में अब बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार के एक खास वर्ग को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत ही बिहार के सभी निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जाएगी। खासकर 45 साल से अधिक उम्र वाले कामगारों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी, जिससे बीमार होने की स्थिति में सरकार के स्तर पर वैसे कामगारों को उपचार कराया जा सकेगा। श्रम विभाग का ये आदेश अमल में आने वाला है। अधिकारियों के अनुसार राज्य में 8479 निबंधित कारखाने हैं, जिसमें ही 231,119 कामगार हैं। इन कामगारों के स्वास्थ्य जांच की अभी कोई खास व्यवस्था नहीं है। इस कारण गाहे बगाहे राज्य के किसी न किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी की जान जाने की खबरें भी सामने आती रही है, जबकि सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ कामगारों को मिलना है। अगर समय रहते बीमार की जानकारी मिल जाए तो सरकार के स्तर पर उसका उपचार कराकर कामगारों की जान बचाई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब बिहार की नीतीश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों में जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है, उनकी वार्षिक स्वास्थ्य जांच की मांग की गई है। साथ ही सरकार की योजना के अनुसार सरकार ने तय किया है कि हर निबंधित कारखाने में काम करने वाले कामगारों में जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है, उनकी वार्षिक जांच करवाई ही जाएगी। साल में एक बार होने वाली ये जांच कैलेंडर वर्ष शुरू होने के 120 दिनों के भीतर निशुल्क करानी अनिवार्य होगी। विभाग ने कहा है कि कारखाना, भवन निर्माण या निर्माण से जुड़े कामगारों पर ये नियम लागू किया जाएगा। विभाग की माने तो कारखाना, भवन निर्माण या निर्माण से जुड़े कामगारों पर ये नियम लागू होगा। कामगारों के चिकित्सीय जांच मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर्म 5 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार करवाई जाएगी। योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा संबंधित नियोजित और कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र भी भेजा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि सरकार की योजना के अनुसार किसी प्रतिष्ठान में कोई भी कर्मचारी तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे इस नियम के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में नियुक्ति पत्र जारी न कर दिया जाए। स्वास्थ्य जांच से पहले दैनिक वेतन कामगार को छोड़कर सभी श्रमिकों के लिए पहचान पत्र भी अनिवार्य रहेगा। इस पहचान पत्र में ही स्थापना का पंजीकरण, संख्या और नाम, कर्मचारी और पिता का नाम और पता, रोजगार की प्रकृति और वैधता होगी। पहचान पत्र पर नियोक्ताओं का अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर भी किया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीद है कि आने वाले समय में कामगारों को सरकार के इस योजना से काफी लाभ मिले और उनका स्वास्थ्य सेहतमंद रहे, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि पैसे अभाव के कारण कामगार अपना इलाज नहीं कर पाए और जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। लेकिन अब सरकार के इस नई योजना के अनुसार बिहार में ऐसी खबरों की संख्या कम होगी। आपके अनुसार बिहार सरकार की ये पहल सराहनीय है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।